हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्ले मिंटो सुधार, जो कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हम लोगों ने पढ़ा है। इसे डिफरेंट नेम से जानते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज की गई थी और ये था क्या, है ना। और इसको और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं। इस चैनल पे जो भी लोग फर्स्ट टाइम आए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसके बैकग्राउंड के, इसके नामों के बारे में। इसे सबसे पहले कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। इसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है ना। इसे फूट डालो राज करो अधिनियम भी कहा जाता है ना। फूट डालो डिवाइड एंड रूल जिसे हम बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल, है ना। मतलब फूट डालो और राज करो भी बोला जाता है इसको। इस समय जो मार्ले मिंटो सुधार है, अब देख रहे हैं दो लोगों का नाम शामिल है इसमें। एक थे भारत के सचिव जिसका नाम था मार्ले या मार्लो इसको बोलते हैं, और जो उस टाइम भारत के वायसराय थे वो थे मिंटो। हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले कि 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तो लॉर्ड कर्जन साहब थे, उसके बाद लॉर्ड मिंटो कर्जन साहब के बाद लॉर्ड मिंटो साहब आते हैं, है ना। लॉर्ड मिंटो जो है फिर कर्जन के बाद नए वायसराय के रूप में बनकर आते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि जो भारतीय अधिनियम था यह था क्या। एक्चुअली जब 1857 की लड़ाई हुई थी, 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद अंग्रेज समझ गए थे कि अब जो है भारतीयों को बिना शामिल के इस देश में शासन चलाना पॉसिबल नहीं है। उनको भी अपने विधान परिषद में कानून बनाने में शामिल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आप जो है यहाँ पर शासन को नहीं चला सकते हैं। उसके बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया आती हैं, उन्होंने खुद को हेड ऑफ द स्टेट, भारत के साम्राज्ञी घोषित कर दिया। और उसके जस्ट बाद उन्होंने क्या किया, एक नया पोस्ट का सृजन किया, एक नए पोस्ट को बनाए से बोलते हैं भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता था, भारत सचिव क्या होता था। भारत सचिव जो है ब्रिटेन में रहकर भारत में वायसराय के माध्यम से उसके थ्रू जो है शासन करता था, है ना। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, शासन को चलाने के लिए तीन अधिनियम लाए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909, ये तीन अधिनियम आए हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 92, 1909, और तीनों में नई नई चीजें की गई है ना। 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, 1858 जब महारानी विक्टोरिया भारत आई थी, बोला जाता है कि इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1861 का अधिनियम लाया गया, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो सबसे पहले देखते हैं 1861 में क्या 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 चीजें की गई थी, क्या क्या चेंजिंग किए गए थे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो किया गया था वो पोर्टफोलियो का उपयोग किया गया था। पोर्टफोलियो का मतलब होता विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कैनिंग साहब ने, आपको पता है उस समय कैनिंग साहब थे, 1858 में लॉर्ड कैनिंग साहब को भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग साहब ही है ना। 1861 में इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को लागू किया, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, है ना। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है एक तरह से आप इसको बोले तो विभागीय प्रणाली। क्या थी विभागीय प्रणाली? विभागीय प्रणाली का मतलब ये था कि इसके माध्यम से अलग अलग सदस्यों को अलग अलग विभाग के लिए उनको सौंप दिया जाता था। अलग अलग सदस्य अलग अलग विभाग को हैंडल करते थे। एक तरह से आप बोले तो एक तरह से मंत्रिमंडल का व्यवस्था की नींव रखी गई यहाँ पर। क्या ही जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, अलग अलग विभाग के अलग अलग सदस्यों को दिया गया, एक तरह से मंत्रिमंडल, अब अगर बोले इसको मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव, है ना, नींव रखी गई। अब उसमें कौन कौन से भाग आते थे अगर आप देखेंगे तो गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री, राजस्व यानी रेवेन्यू, सैन्य यानी मिलिट्री, कानून यानी लॉ, वित्त यानी फाइनेंस। 1874 के बाद एक इसमें और लागू कर दिया गया लोक कार्य, पब्लिक वेलफेयर, है ना, लोक कार्य कोई इसमें शामिल किया। मतलब छह मंत्रालय के तौर पे, छह विभाग के तौर पे, छह अलग अलग सदस्यों को, छह विभाग को सौंप दिया गया। तो पोर्टफोलियो सिस्टम को सबसे पहले भारत में शुरू किया, विभागीय प्रणाली को सबसे पहले किसने शुरू किया यहाँ पर, लॉर्ड कैनिंग साहब ने। दूसरी बात इसमें क्या की गई कि यहाँ पर कानून बनाने की प्रक्रिया शामिल की गई, है ना। कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती थी उसमें भारतीयों को शामिल करना शुरू किया, और भारतीयों को एज ए नॉन ऑफिशियल यानी गैर सरकारी रूप में शामिल किया जाता था। तो लॉर्ड कैनिंग साहब ने 1862 में, कब, 1862 में तीन
लोगों को, तीन सदस्यों को शामिल किया था। तीन के नाम क्या 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 थे? एक बनारस के राजा थे, कौन थे? एक बनारस के राजा है ना, दूसरा पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा, और इसके साथ साथ शामिल किया गया किसे? सर दिनकर राव को, सर दिनकर राव को शामिल किया गया एज ए गैर सरकारी, यानी एज जो है इनको शामिल किया गया गैर सरकारी सदस्य के रूप में, नॉन ऑफिशियल सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया। कहां पे शामिल किया गया? विधान परिषद में। कहां पर? विधान परिषद में इन्हें मनोनीत किया गया है ना, क्या किया गया? मनोनीत। ये जो थे नॉन ऑफिशियल थे, गैर सरकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया, मनोनीत किया गया तीन सदस्यों को, क्योंकि वो समझ गए थे जब तक हम भारतीयों को शामिल नहीं करेंगे कानून बनाने में तो हमारा काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या किया गया? विकेंद्रीकरण की प्रथा को अपनाई गई। ठीक है, तो हम विकेंद्रीकरण को आगे देखते। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो वायसराय की काउंसिल थी, वायसराय की जो काउंसिल थी, वायसराय की काउंसिल में विस्तार किया गया, और यहां पर चार के बाद एक मेंबर और जोड़ दिया गया, टोटल पांच मेंबर कर दिए वायसराय काउंसिल में। जो पांचवा मेंबर था इसको विधि यानी लॉ का ज्ञान होना आवश्यक था। किसका? ये जो मेंबर थे ये लॉ से थे, जिसको कि कानून का लॉ मतलब कानून का ज्ञान उनको होना आवश्यक था, इसको बढ़ा दिया गया। और इसके साथ साथ कार्य परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी लिखी गई? केंद्रीय लिख लीजिए यहाँ पर, यानी केंद्रीय विधान परिषद अधिकतम संख्या कितनी लिखी गई? 12 है ना, और ये 12 सदस्यों को वायसराय प्रत्येक 2 वर्षों के लिए नियुक्त करते थे। कौन नियुक्त करते थे? वायसराय नियुक्त करते थे प्रत्येक 2 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए? प्रत्येक 2 वर्ष के लिए ये 12 सदस्य नियुक्त किए जाते थे, यानी कि जो मेंबर थे ये वायसराय की जो काउंसिल मेंबर के अलावा ये मतलब एडिशनल मेंबर थे, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे है ना, उसको शामिल किया गया यहाँ पर, जो मैक्सिमम 12 थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल मेंबर की संख्या यहाँ पर रखी गई 12 है ना। और इसके साथ साथ एक वायसराय को एक अथॉरिटी दी गई कि वो आपत्तिजनक स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में वो जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या जारी कर सकते हैं? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो 6 महीने के लिए, 6 माह के लिए, 6 मंथ्स के लिए वैलिड होगा। इसमें उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी, विधान परिषद किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आदेश से 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी कर सकते थे जो 6 महीने के लिए वैलिड होता। पहली बार यहाँ पर विकेंद्रीकरण की प्रथा को अपनाई गई। विकेंद्रीकरण क्या गया है ना, पहली बार विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण क्या गया? कहां कहां? बंगाल है ना, उसके अलावा पंजाब, और उसके अलावा कहां पर किया गया? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है ना, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ठीक है, आपके पास बता दे जानकारी के लिए कि लॉर्ड रिपन को विकेंद्रीकरण का जनक यानी पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन को विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, ना कि कैनिंग साहब को। लिख दीजिए, कैनिंग साहब ने यहाँ पे शुरू किया था, लेकिन जनक जो कहते हैं, पिता जो कहते हैं, जो पिता कहा जाता है, जो पिता बोलेंगे वो रिपन साहब को बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विकेंद्रीकरण की प्रथा को स्वीकृति, और इसके अलावा मद्रास और बम्बे प्रेसिडेंसी को, किसके किसे? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को है ना, ये दोनों प्रेसिडेंसी को कुछ मामलों में, जैसे मुद्रा हो गया, उसके अलावा फाइनेंस हो गया, ऋण यानी कि लोन वगैरह हो गया, इसमें उनको कानून बनाने का अधिकार दिया गया है ना। तो अब हम देखते हैं, इसके अलावा ये फर्स्ट हो गया 1861, अब हम देखते हैं 1892। 1892 में क्या किया गया था कि जो भी सदस्य थे यहाँ पर उनकी संख्या को, जो भी मैंने अभी बताया आपको कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12। अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 16 है ना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसीलिए देते हैं आपको, कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई? मैक्सिमम 16 कर दी गई है ना। और यहाँ पर जो भी सदस्य होते थे, सदस्यों को क्या किया गया? आर्थिक प्रस्ताव जो संसद में आते थे, जो बजट आता था, उस पर बहस करने का अधिकार दिया गया। बहस करने के साथ साथ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने का अधिकार 1861 में नहीं दिया गया। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो भी लोग थे यहाँ पर उनको विधान परिषद कार्यों में बहस करने का, जो आर्थिक प्रस्ताव था उसमें
बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन काउंटर जो क्वेश्चन होते हैं उस पर अधिकार नहीं दिया गया। कब? 1892 में, है ना। और सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। और अभी भी भारत का जो शासन है वो सचिव के द्वारा ही चलाया जा रहा था, है ना। अब हम देखते हैं इसके बाद जो सबसे मेन हुआ था 1909 में, 1909 का अधिनियम, है ना। 1909 के अधिनियम में मार्ले मिंटो अधिनियम बोलते हैं। मार्ले यहाँ पे सचिव थे और मिंटो यहाँ पे वायस राय थे, मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है। इसमें क्या क्या चीजें चेंज की गई, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो सदस्यों की संख्या थी पहले कितनी थी, सबसे पहले 1861 में थी जो सदस्यों की संख्या थी कितनी, 12, उसको बढ़ा के की गई 16। अब यहाँ पे कितनी की गई, 16 से 60 कर दी गई। टोटल कितने सदस्य हो गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थे जो भी सदस्य होते थे, है ना, उसके अलावा यहाँ पे 9 पदेन सदस्य होते थे, तो टोटल सदस्य कर दिए गए 60। अब प्लस 9 जो होते थे ये पदेन सदस्य होते थे, है ना, तो टोटल 12 से 16, 16 से बढ़ाकर 60, बहुत चेंजिंग कर दिया गया इसमें। 60 सदस्य होते थे, 60 सदस्य में जो होते थे 28 ये ऑफिशियल होते थे, सरकारी होते थे, ऑफिशियल, है ना। इसको क्या बोलते थे हम लोग, सरकारी अधिकारी, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सरकारी अधिकारी होते थे। और इसमें जो टोटल थे 32, कितना मुझे 60 हो गया ना, ये हो गए नॉन ऑफिशियल या इसको गैर सरकारी बोलेंगे, है ना, गैर सरकारी ये टोटल सदस्य थे। इन गैर सरकारी सदस्यों में जो टोटल थे यहाँ पर 32 में जो थे नॉन ऑफिशियल, उसमें से 5 नॉमिनेट होते थे, कितने, 5 को जो है, इन 32 में से बता रहा हूं मैं, 5 को जो है वायसराय नॉमिनेट यानी मनोनीत करते थे, है ना, मनोनीत करते थे, नॉमिनेट करते थे, है ना। और उसमें से कितना बचा, 27, 27 जो सदस्य थे उनका इनडायरेक्ट जो है उनका चुनाव होता था, क्या होता था, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव होता था, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या आता था, इनडायरेक्ट वे में। अब 27 में कौन कौन लोग थे, 8 जो थे 8 पृथक निर्वाचन मंडल से आते थे, पृथक निर्वाचन मंडल के लिए इसको रिजर्व कर दिया गया जो कि मुसलमानों के लिए था, कितनी सीटें, 8 सीटें, है ना। उसमें से 4 ब्रिटिश पूंजीपति थे, कितने थे, ब्रिटिश पूंजीपति, कितने थे, 4, है ना। 2 जमींदार, कितने थे, 2 जमींदार, कितना हुआ, 8 × 12 और 2 × 14, बचा कितना, 13। 13 जो थे वो जनरल जो प्रोसेस था उससे आते थे, सामान्य वर्ग से आते थे, है ना, सामान्य निर्वाचन से आते थे, सामान्य निर्वाचन के माध्यम से 13 लोग आते थे, है ना। यहाँ पर व्यवस्था, ये जो 8 आप देख रहे हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1906 में जब एक शिष्टमंडल आगा खान के नेतृत्व में गया था मार्ले मिंटो साहब से मिलने के लिए, उनसे बात की थी कि हमें एक पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए, तो उनको एक पृथक निर्वाचन मंडल बनाकर यहाँ पर दिया गया था, है ना। इसलिए इसको बोला जाता है फूट डालो और राज करो अधिनियम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले संप्रदाय की भावना को ऑफिशियल स्टैंप लगाया गया था, उनको पृथक निर्वाचन मंडल बना के दे दिया गया था, है ना। सबसे पहले यहाँ पे ये क्या गया, इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या चेंजिंग किया गया, आपने देखा होगा 1891 में जो अधिनियम आया था, 1892 जो अधिनियम आया था उसमें बजट पर बहस करने की अनुमति थी, है ना, क्वेश्चन पूछने की अनुमति थी, लेकिन इस बार क्या था कि बजट पे बहस करने की अनुमति थी, क्वेश्चन पूछने की अनुमति थी, और जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके रिटर्न जो काउंटर क्वेश्चन होता है वो भी करने का, आंसर करने का उनको अनुमति दे दी गई थी। तो ये सब बहुत तरह से विस्तार किया गया था। और यहाँ पे एक बात ध्यान है, 1909 में जो अधिनियम आया था उसमें वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक्चुअली मुस्लिम लीग चाह रहे थे कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद उसमें 2 लोगों को शामिल किया जाए, एक मुस्लिम कम्युनिटी की हो और एक अलग कम्युनिटी की हो, लेकिन यहाँ पर भी क्या किया गया, यहाँ पर जो है शामिल किया गया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में जो सबसे पहला शामिल किया गया था एक ही मेंबर को, उनका नाम क्या था, सत्येंद्र सिन्हा, जो लॉ से थे, है ना, सत्येंद्र सिन्हा जो लॉ से थे यानी कानून के जानने वाले थे, कानून यानी लॉ, है ना। उसके आगे जो है फिर जो मेंबर को ऐड किया गया था वो हालांकि वो मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ पर एक ही सदस्य को शामिल किया गया, उनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा, सबसे पहले वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो शामिल किया गया था पहले भारतीय को वो था सत्येंद्र सिन्हा जो लॉ से थे, उसके बाद जो शामिल किया गया था वो मुस्लिम थे, तो यहाँ पर एक के शामिल होने से भी मुस्लिम लीग थोड़ी खफा हो गई थी। तो ये था पूरा 1909 का अधिनियम जो कि
पूरी तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुसलमानों के पृथ्वी निर्वाचन मंडल की बात कर दी गई इसमें, है ना। और एक बात इसमें और ध्यान रहे, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है इस अधिनियम का निर्माण किया गया था वो किस समिति की रिपोर्ट पर, तो यहां लिख दीजिएगा अरुंडेल समिति की, अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसका गठन किया गया था, है ना। यहाँ पर क्या किया गया था, मुसलमानों के लिए पृथ्वी निर्वाचन मंडल की बात की गई थी, जो सदस्य थे इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उसमें विस्तार कर दिया गया था, 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया था। इसमें 28 ऑफिशियल थे, 32 नॉन ऑफिशियल थे, यानी गैर सरकारी थे। 32 में से 5 मनोनीत होते थे और 27 में से 8 रखा गया था रिजर्व किसके लिए, मुस्लिम लीग के लिए, मुसलमानों के लिए, पृथ्वी निर्वाचन मंडल के द्वारा उसको दिया जाता था। ब्रिटिश से 4 आते थे, 2 जमींदार थे और 13 सामान्य वर्ग से आते थे। और सबसे पहले एक सदस्य को शामिल किया गया था कार्यकारी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सबसे पहले जिसको शामिल किया गया था वो है सत्येंद्र सिन्हा, है ना। तो आज के इस क्लास के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।